राजस्थान में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 6 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। बीकानेर, जयपुर में एक एक और झुंझुनू में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दौसा में 2 लोगों की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 210 पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना से 5वीं मौत हो गई। SMS के बनवाद में घाट गेट निवासी बुजुर्ग की मौत हुई। बर्न वार्ड में ये मौत हुई घाटगेट निवासी बुजुर्ग की। 210 पहुंच चुकी है कोरोना पॉजिटिव की संख्या और 5वीं मौत प्रदेश में कोरोना से हुई। SMS के बर्न वार्ड में घाटगेट निवासी बुजुर्ग की मौत हुई। तेजी से ये ग्राफ राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। 5वीं मौत राजस्थान में। 6 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। बीकानेर, जयपुर में एक एक और झुंझुनू में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हो चुकी है प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या। लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 5वीं मौत राजस्थान में हो चुकी है। SMS के बर्न वार्ड में घाटगेट निवासी बुजुर्ग की कोरोना की वजह से मौत हुई। हर संभव प्रयास राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग लगातार अलर्ट है, लगातार कोशिशें की जा रही हैं। 21 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है, जो राहत है थोड़ी, लेकिन ये देखा जा सकता है कि जितनी भी मौतें हो रही हैं, जैसे 5 मौत फिलहाल हो चुकी हैं, तो सभी लोग उसमें बुजुर्ग थे, जिनको पहले से भी बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ रखा था, जिनमें इम्यूनिटी पावर की कमी है। प्रदेश में 5वीं मौत कोरोना से। SMS के बर्न वार्ड में घाटगेट निवासी बुजुर्ग की कोरोना से मौत हुई। तेजी से ये ग्राफ राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, बताएं, देखिए लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो ग्राफ है पॉजिटिव का वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल क्या अपडेट है? 5 मौतें हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, अब तक जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 10 कोरोना के पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं पूरे राजस्थान में अब तक 5 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसमें आज एक और जयपुर में कोरोना की मौत हो चुकी है, वो भी घाटगेट स्थित है, वहां का रहने वाला है, 82 वर्षीय बुजुर्ग की आज जो मौत हुई है। वहीं इसी के साथ में लगातार आज जो 6 कोरोना के पॉजिटिव वो सामने आए, जिसमें एक तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ भी सामने आया है। इस तरह बात करें जयपुर और बीकानेर में एक एक, झुंझुनू और दौसा में 2-2 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी तरह बात करें तो जयपुर में अब तक 56 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं भीलवाड़ा में 27 में से बात करें तो तकरीबन 17 जो कोरोना जो पेशेंट हैं वो ठीक हो चुके हैं। साथ ही झुंझुनू में अब तक 18 कोरोना के पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। साथ ही जोधपुर और टोंक में 17-17 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। बात करें टोंक की, तो टोंक में 4 तबलीगी जमात के लोग पॉजिटिव मिले थे और उसके बाद में 13 अब तक उनके संपर्क में आने वाले कोरोना के पॉजिटिव मिल चुके हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है, जो एक और भी इनके बढ़ने की संभावना वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिटी में वो लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना जो आंकड़ा है वो। उसी तरह चूरू में 10 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। अजमेर, अलवर में 5-5 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। अब तक उदयपुर और बीकानेर में 4-4 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं बीकानेर में एक कोरोना की पॉजिटिव पेशेंट का की मौत हो चुकी है। वहीं डूंगरपुर, दौसा में 3-3 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की बात करें तो वहां पर 2-2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो प्रतापगढ़ में भी 2 जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए थे वो एक परिवार के थे और बांसवाड़ा में भी एक परिवार के कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। साथ ही पाली, सीकर, धौलपुर और करौली में 1-1 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है, जिस तरह से लगातार जो कोरोना का ग्राफ बढ़ता है उसमें प्रदेश के अब तक 19 जिलों में कोरोना का जो वो मिल चुके हैं, जो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज और करौली में कोरोना का जो पोस्टमार्टम मिला वो भी बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि अब तक कोरोना के जो पेशेंट है वो सामने नहीं आए थे वहां से। इसी तरह लगातार जो कोरोना के जो पेशेंट मिले हैं उनमें 46 जो कोरोना के पॉजिटिव तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। वहीं 28 कोरोना के जो पेशेंट वो ईरान से लाए गए भारतीय भी उसमें शामिल है, क्योंकि इनको जैसलमेर और जोधपुर के क्वारंटाइन करके रखा हुआ था आर्मी कैंप में। वहीं जिनको अब जोधपुर में शिफ्ट किया गया है, जो पॉजिटिव मिले हैं 28 उनको, और वही उन्हीं में लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं, उनके सैंपल रिपोर्ट लिए जा रही है, ताकि उनमें से और कोरोना के पॉजिटिव उनका पता लगा जा सके और उनको आइसोलेट किया जाए। इसी तरह लगातार चिकित्सा विभाग ने स्क्रीनिंग तेज कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ रहे
हैं, उनके साथ भी संदिग्ध और प्रदेश के आम जनता के एक बार नॉर्मल जो जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, उसके लिए जांच किट इनके जो बाहर से मंगवाने की इनकी कोशिश की जा रही है। चिकित्सा विभाग के अधिकारी लगातार जो बाहर की कंपनियां हैं जो कोरोना की किट निर्माण कर रही है उनसे संपर्क कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक किट मंगवाए जाए और जल्दी से जल्दी जो जांच प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाए। इसी तरह प्रदेश में अब तक 11,000 से अधिक जो कोरोना संबंधित संदिग्ध मरीज थे उनकी जाँच की जा चुकी है, जिनमें जो 210 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आए हैं। जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हर संभव प्रयास राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, चिकित्सा विभाग लगातार मुस्तैद है, लगातार अलर्ट है, इलाज किया जा रहा है, 21 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है, जो थोड़ी राहत की बात है, 5 मौत प्रदेश में अब तक हो चुकी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता फिरोज उस्मानी टोंक से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी फिरोज, बताएं क्या अपडेट फिलहाल है, क्या तैयारियां की गई हैं, क्या बचाव के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी मनीषा जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस का कहर टोंक में नहीं थम रहा है। टोंक में एक और कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया, अब तक कुल 17 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। ये 17वां जो पॉजिटिव तबलीगी जमात से ही संक्रमित पिता है इसका, जो अब तक 92 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं जिनमें से 17 कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं। इनमें से सब ये चार जो तबलीगी जमात वाले थे उनकी वजह से ये 13 लोग इनके संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। टोंक में इसके लिए अब 240 टीमों का गठन किया जा चुका है। वो सब टीमें अब घर घर जाकर लोगों का सर्वे कर रही हैं और उनकी स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। अब तक 10,000 घरों में सर्वे हो चुका है और अब तक 63,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें से 35 लोग साधारण खांसी जुकाम के मरीज भी सामने आए हैं। जी फिरोज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि किसी भी लापरवाही से कोई बड़ा अंजाम ना हो।